लवकुश। हाँ भैया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज घर में तुम अकेले बच्चे हो? हाँ भैया। तेरी भाभी कहाँ गई? भैया अब क्या बताऊँ भैया, आपके मना करने के बावजूद भी बस पहुँच गई भैया। यानी गई अमरपुर? हाँ भैया। ठीक है लवकुश, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ भैया। थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लेता हूँ। ठीक है भैया। उसके बाद उस हराम जादिन रचकलिया का खबर अमरपुर जर लेने जरूर। बैठिए भैया बैठिए। अरे मुन्ना मुन्ना पवन, तू और इस घड़ी उस टाइम हमारे यहाँ गंगापुर, क्या तू घर से अकेला आया? आप तुझे रास्ते में डर नहीं लगी? क्या करूं, मेरी बात को सुनिए फूफा। बोल क्या बोलना चाहता है? कि पापा आए हुए मेरे गंगापुर घर में, बीमार बाकी न होती दवा, पापा को मैलीवा कर गया ना गए। जान दे बैठ गई मैया का पापा को मैलीवा कर भूपा जी, पापा हमारे गंगापुर में आए और माँ घर में बीमार है। अगर पापा को यहां से मैलीवा के जल्दी नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएगी पुपा मर। हाँ मुन्ना, तेरे पापा मेरे यहाँ आए थे लेकिन वो हराम जादिन तेरी बुआ राजकली तेरे पापा को धक्का मार कर घर से निकाल दिया और तेरे पापा यहाँ से रोते हुए चले गए। ये बता क्या तेरे पापा तुझे रास्ते में नहीं मिले? ना फूफा, मुझे मेरे पिताजी रास्ते में नहीं मिले, ना कहीं दिखाई दिए। तो मुन्ना ये बता, तेरे पापा रास्ते में तुझे नहीं मिले और तेरे पापा मेरे यहाँ पैसे के लिए आए थे, तेरी बुआ ने उन्हें मार कर निकाल दिया और तेरे पापा यहाँ से खाली हाथ घर को वापस गए हैं? क्या? और तू कह रहा है कि मेरी माँ बहुत सीरियस है, बहुत जोर बीमार है पापा, बहुत जोर मेरी माँ बीमार है, अब सिर्फ आप एक ही सहारा है, अगर पापा आप मुझे सहारा नहीं देंगे तो मेरी माँ मर जाएगी पापा। नहीं मुन्ना, नहीं मेरे लाल, मैं तेरी माँ को मरने नहीं दूंगा, अभी ये तेरा फूफा जिंदा है, तेरा फूफा ये तेरी माँ को जरूर बचाएगा। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ? बोलिए फूफा। दे रहा हूं मैं पैसा पवन ये सुनो, लेके जाओ तुम्हें अपने घर, माँ की इलाज अपने
कराओ सुनो, दे रहा हूँ मैं पैसा तुम्हें। देख मुन्ना, तू तो जान रहा है कि आज संडे है और बैंक सारे बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं गया था कहीं ना कहीं से तुझे 5,000 रुपये का व्यवस्था कर मैं किया हूं, और इस वक्त मेरे जेब में 5,000 रुपया है, तो इसे लेकर जा अपने माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा। मैं वादा करता हूं कि तेरी माँ के इलाज में जितना भी रुपया लगेगा ये तेरा फूफा जरूर ला के देगा। ठीक है फूफा, ये ले मुन्ना। देख मुन्ना, अब यहां अगर तुम देर लगाओगे तो वहां तेरी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी तुम घर पहुंचो मुन्ना, जाओ। लेकिन फूफा, अब क्या कहना चाहता है? जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता है? धन्य हो ये फूफा जी मेरे, गम के तूफान में मुझको सहारा दिए, आपका भूल एहसान न पाए पवार, गम के तूफान में मुझको सहारा दिए। मैं जा रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं मेरी माँ ठीक हो जाएगी, तो जितना पैसा आप मुझे दिए मैं मेहनत मजूरी करके आपको ये सारा पैसा वापस कर दूंगा। नहीं मुन्ना, नहीं पवन, जब तक ये तेरा फूफा जिंदा है मुझे पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ के इलाज में चाहे मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा मैं बेच कर लगाऊंगा, लेकिन मैं कभी वापस नहीं लूंगा। जाओ मुन्ना, ठीक है, देर मत करो। लेकिन मेरी बात सुनिए, अब क्या कहना चाहता है बोल। कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार के कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी। ये दिल की ये दुनिया
की ये दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी। लवकुश, अब तुम यहाँ पर देखो, और मैं भी चल रहा हूँ अमरपुर, देखता हूँ हरामजादिन क्या कर रही है। चलता हूँ अमरपुर। क्या बताऊँ, अभी तक स्वामी आए नहीं, काफी देर हो गई है। थोड़ी देर तक बैठकर मैं इंतजार करती हूँ। बैठ जाइए चाची, आते हैं। हाँ क्या है स्वामी, आप ठीक है ना? हाँ ठीक तो हूँ। क्या पैसा मिल गया? नहीं, तब पैसा तो नहीं मिला। क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। बोलिए नाथ। मुझे दीने ताना मारा, मुझे पैसा मुझको नहीं दिया है, पैसा मुझको नहीं दिया है, मार के घर से भगाना, मुझे दी दीने ताना मारा, मुझे दी क्या बताऊं गीता तुमसे, मैं दीदी से गया, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, दीदी से कहा कि दीदी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी गीता की तबीयत बहुत खराब है, और दीदी ने मुझसे मार मार करके अपने पैसे वसूलना चाहती थी, मुझे धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। मैं समझ गई स्वामी, मैं समझ गई, जो आप पहले पैसा लाए थे वो अभी मजबूरी के कारण वापस नहीं कर सके ना, यही बात है ना, और मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही है स्वामी, बहुत जोरों के साथ दर्द हो रहा है पेट में। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हूँ? ओ स्वामी, ओ स्वामी, मत ये आंसू ढाए स्वामी, विधिना ने जो लिख दिया है, विधिना जो ये
स्वामी आंसू तो मत डाले स्वामी। स्वामी मेरे नसीब में ही लिखा है ठोकर ही ठोकर, तो क्या करोगे स्वामी। किस्मत के आगे किसी का बल किसी का जोर कुछ भी चलता नहीं। बात तो सही कह रही हो। लेकिन चलो तुम्हें किसी अस्पताल में ले चलते हैं। हाँ स्वामी, हम एडमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे लोगों से कहीं भीख टुकड़ा मांगेंगे और कैसे भी कैसे करके तुम्हारा इलाज मैं जरूर करवाऊंगा। हाँ स्वामी जरूर। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। पीछा नहीं छोड़ा। लोकोस याओ ये बता प्रधान जी कोई पता नहीं है कहाँ गए? प्रधान जी आते होंगे बढ़िया, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ बढ़िया। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कहे लो कुछ? ठीक है ठीक है। ये बता तुम्हारी चाची कहाँ है? है बैठिए कमरे में आइए। चल आ जाओ। और क्या प्रिय कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कहाँ गए थे? गया था मैं बता रहा हूँ, आज मैं फिर ओझा के पास गया था। गए थे इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था क्या कि तुम मुझसे मिलते रहना, मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा, उसके बच्चा जरूर पैदा हो जाएगा। होगा, मेरा बच्चा होगा ना। हाँ, लेकिन आज मैं ओझा के पास गया तो उन्होंने कहा प्रधान जी तुम्हारी पत्नी के कोख से बच्चा जरूर पैदा होगा, लेकिन एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? उपाय है कि उन्होंने कहा है कि एक महीने का बच्चे का बलिदान अगर हो जाएगा तो समझ लो तुम्हारी पत्नी के कोख से बच्चा पैदा। लेकिन पिए मैं यही सोचता हुआ तुम्हारे पास चलाया, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बच्चा आखिर मिलेगा कहाँ पर। एक महीने का बच्चा? जी एक महीने का बच्चा मिलेगा कहाँ? यही तो मैं सोच रहा हूँ। ओ
बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया? हाँ। कहाँ है बच्चा? अपने घर में। अपने घर में? तुम्हें नहीं मालूम है? अरे बाबा तुम्हें क्या मालूम होगा, जो अपने घर में जो दवा नहीं है, गीता जो फूला का घूम रही थी। अच्छा अच्छा। अरे उसके बच्चा हो गया है। यानी उसके कोस के बच्चा पैदा हो गया है। मैं जब गई जा रही थी तो अस्पताल में जो दाई नहीं है वो आ रही थी, मुझसे नमस्ते की तो मैं बोली अरे दाई क्या हुआ, तो बोली थी तुम्हारे देवरानी के बेटा हुआ है। अच्छा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, वो बच्चा घर में है। सोच क्या रहे हो, इसमें सोचने की बात नहीं है, तो तुरंत यहाँ से फौरन चलो और अपना काम तमाम कर दो। सुनिए, चाहे एक महीना का बच्चा हो चाहे एक दिन को, सिर्फ जान तो जान। सही कह रहे हो। हाँ चलिए चलिए आओ मेरे साथ। लाकोश इधर आओ, अब मेरे बच्चा होगा, मैं भी माँ बन जाऊंगी। हाँ बच्चा हो तो अरे अब माई बन जाऊ। लेकिन लोगो देखो तुम किसी से बताना नहीं। किसी से नहीं बताएंगे? और जो मेरी देवरानी नहीं है। हाँ हाँ। इतवार अंडी चुप रहा, नाम सभ्यता से लिया। मैं प्रधानी हूँ। अरे प्रधानी नहीं है तो ऐसा है का तोहरे घर घर के एक सदस्य हूँ। वही। लेकिन जानते हो उसके जो लड़का पैदा हुआ है ना बहुत अच्छा है। अब कुछ नहीं कहूंगी, मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ।